सभी को आज हम चैप्टर नंबर 2 12th क्लास फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। लिखिए बेटा, लिख लिया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके आसपास का जो फील्ड होता है उसको हम किस तरह से सिग्निफाई कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई सा भी जो पॉइंट चार्ज होता है उसके आसपास का जो भी फील्ड होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, किसी भी पॉइंट चार्ज के आसपास का जो फील्ड होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? स्फेरिकल फॉर्म। स्फेरिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक खोल देख लिया, खोल जानते हो, सेल जो अंदर से खोखला है, स्फेरिकल, उसके सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके स्फेरिकल सेल जैसा होगा। तो किसी पॉइंट चार्ज के आसपास का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसको सिग्निफाई करने का तरीका दो तरीके होते हैं। एक होता है हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा तरीका है इसके आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, ठीक है। ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये मेरी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको सिग्निफाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से दर्शाना, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से दर्शाना। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बारे में हम इस आज के जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आज की क्लास है, वो इन्हीं दो पॉइंट्स पे डिटेल में बेस्ड है। इसी के पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट लिख लीजिए आप इसको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसको जिस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो है कैपिटल वी। किसे नोट करेंगे? कैपिटल वी से। दूसरी बात है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तीसरा ये है कि इसकी ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो वोल्ट होती है। वोल्ट जब आप लिखोगे तो आपका V जो है छोटा होना चाहिए और इसका शॉर्ट सिंबल जो है वो कैपिटल V है वोल्ट का। वोल्ट जो ऐसा यूनिट है वो साइंटिस्ट, एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक्जेंड्रो वोल्टा। उनको सम्मान देने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट जो है वो वोल्ट दी गई है। तो दोबारा बता देता हूँ, वोल्ट जब आप फुल लिखोगे तो वी छोटा होना चाहिए, शॉर्ट में लिखोगे तो वी बड़ा होना चाहिए। वन वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम कैसे होता है ये हम फॉर्मूले से देखेंगे। तो फटाफट इसको उतार लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम्ब होता है और जो वोल्ट यूनिट दी गई है वो इटालियन साइंटिस्ट एलेक्जेंड्रो वोल्टा को सम्मान देने के लिए उनके नाम पे दी गई है, ठीक है। उतार लिया आपने? ओके, तो अब जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला जो हम इसका निकालेंगे वो निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, ठीक है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। तो चलिए पहले समझ लीजिए, स्टॉप राइटिंग समझिए पहले। देखिए हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। फ्यूचर में मैं सोर्स चार्ज को अगली क्लासेस में कैपिटल क्यू से दिखाऊंगा। आपकी बुक्स में, एनसीईआरटीज में या दूसरी रिफ्रेशर बुक में स्मॉल क्यू से लिया गया है, मैं कैपिटल क्यू से दिखाता हूँ। इसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज। क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसके कारण आपका उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा?
ये एक स्फीयर के रूप में है, मैंने अभी आधी लाइन दिखाई हुई है, एक्चुअल में पूरा क्या है, स्फीयर है, ठीक है। तो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसके आसपास मैंने दर्शा दिया है। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिया है बहुत दूर, इसको मैंने इन्फिनिटी माना है, क्या माना है, इन्फिनिटी पॉइंट लिया है, ठीक है। अब क्या है कि इस सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल पता करना है, क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सपोज़ कीजिए वो पॉइंट मैंने पॉइंट एक्स ले लिया, क्या ले लिया, इस पॉइंट एक्स पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है पॉइंट एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, वो होती है कि किसी भी टेस्ट चार्ज, ये इन्फिनिटी पे मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया है क्यू नॉट, जिसकी वैल्यू मैंने 1 कूलम मानी है। इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट एक्स तक लाना है, क्या ये अपने आप आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो दोबारा समझ लीजिए, इस 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट एक्स तक लाने में जो वर्क डन होगा, मान लीजिए 40 जूल हुआ, तो जो वर्क डन होगा 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, यही वर्क डन इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाएगा, यानी वी एक्स। तो वी एक्स हो जाएगा आपका 40 जूल, तो मैं लिख नहीं सकता, तो मैं क्या लिखूंगा, वोल्ट, क्या लिखूंगा, वोल्ट। तो दोबारा समझा देता हूँ, 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट एक्स पर लाने में जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन न्यूमेरिकली इक्वल होता है उस पॉइंट पे पोटेंशियल के, किसके, पोटेंशियल के। और अगर मान लीजिए मुझे 1 यूनिट चार्ज नहीं दे रखा, बल्कि 1 यूनिट से अलग दे रखा है, 2 यूनिट या उससे कम दे रखा है, 0.2 यूनिट चार्ज, तो उसको लाने में मान लीजिए हमारे पास W वर्क हुआ, कितना हुआ, W, मान लीजिए 10 कूलम चार्ज को लाने में W वर्क हुआ, तो हमारा पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x पॉइंट पे W अपॉन में Q नॉट, कितना होगा, W अपॉन में Q नॉट। हमने कहा कि Q नॉट हमारे पास 10 कूलम है, 10 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट x लाने में हमको जो वर्क डन करना पड़ा वो 100 जूल करना पड़ा, कितना करना पड़ा, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 100 जूल बटे में 10 कूलम, कितना बचा, 10 जूल पर कूलम या 10 वोल्ट, ठीक है। तो आपने देखा कि कितना वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, 10 वोल्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया इन टर्म्स ऑफ वर्क, यहाँ पे जो वर्क है वो है इन्फिनिटी से पॉइंट एक्स तक किया हुआ, कहाँ से किया हुआ, इन्फिनिटी से पॉइंट एक्स तक। अगर आप इन्फिनिटी से पॉइंट एक्स ना लिखना चाहो तो सिर्फ W लिख दो, क्या लिख दो, W। तो फटाफट उतार लीजिए इसको,
तो हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखा बोर्ड पे, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा पोटेंशियल का ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, तो उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन हैगा। तो इसको ज़रा समझते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ़ 10 जूल ऑफ वर्क इज़ डन टू कैरी 100 मिली कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट वाई, देन कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट वाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे गिवन क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास गिवन है वर्क डन W, जो कितना रखा है हमको 10 जूल। फिर हमें गिवन है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जिसकी वैल्यू है 100 मिली कूलम। इसको असाइनमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, चार्ज की असाइनमेंट होती है कूलम, तो मिली जो होता है उसका मतलब ही होता है 10^-3। मिनी का मतलब ही क्या होता है, 10^-3। तो 10^-3, 100 का मतलब होता है 10^-2, तो ये बन जाएगा 10^-1 कूलम। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। किस पे पोटेंशियल पता करना है, पॉइंट वाई पे। पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट वाई पे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वी वाई इज इक्वल टू डब्लू अपॉन में क्यू नॉट। डब्लू की वैल्यू कितनी है 10 जूल और क्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी 10^-1। देखिए 10 पे यहाँ कोई पावर नहीं लगी हुई है, तो जब 10 पे पावर ना लगी हो तो 1 मानी जाती है। तो 10^-1 दोनों बेस सेम है तो 1, ये वाला जो माइनस 1 है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, यानी 10^2। और 10^2 का मतलब होता है 100 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल है आपका वाई पॉइंट पे वो 100 वोल्ट होगा। अच्छा एक बात और बता दूं, जो वर्क डन किया जाता है जब चार्ज को मूव कराने में, तो उस केस में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन के केस में एक वर्क डन और लगेगा अलग से। तो इसलिए जो वर्क डन कैरी कराने के लिए हो रहा है वो विदाउट एक्सेलरेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विदाउट एक्सेलरेशन। तो मैंने जो मूवमेंट कराया था ना, कहाँ से, इन्फिनिटी से पॉइंट एक्स तक, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट था। क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो अभी मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ 1 वोल्ट की। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था Vx = W/Q0। तो देखिए अगर मेरा वर्क की वैल्यू 1 जूल हो जाए, कितनी हो जाए, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब हो जाए, तो आपका जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। 1 वोल्ट = 1 जूल/कूलम्ब। इसका मतलब है कि जब 1 कूलम्ब टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने में इन्फिनिटी से 1 जूल वर्क होता है, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बनता है, 1 वोल्ट का बनता है। यानी जब इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब चार्ज को किसी पॉइंट एक्स तक लाने में 1 जूल वर्क होता है, तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनता है वो कितना बनता है, 1 वोल्ट का बनता है। सो 1 वोल्ट पोटेंशियल इज सेट टू बी एग्जिस्ट एट अ पॉइंट एक्स व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एक्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं उसको। दोबारा बता देता हूँ, 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट एक्स तक लाने में अगर 1 जूल वर्क स्पेंड होता है, खर्च करना पड़ता है, तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 1 वोल्ट होता है, ठीक है। उतार लीजिए,
सो नेक्स्ट है हम अब जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पिछली बार हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक सोर्स चार्ज है क्यू, इसके आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और हम इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक, ठीक है। सपोज कीजिए मुझे किसी भी पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, तो पॉइंट एक्स पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको मैंने बी एक्स मान लिया। क्या मान लिया? पिछली बार मैंने वर्क डन के फॉर्म में बताया था, इस बार मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट एक्स की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने एक्स माना है। क्या माना है? एक्स। पॉइंट एक्स की दूरी जो है चार्ज से मैंने क्या मानी है? एक्स माना है, ठीक है। तो ये मेरी इमेजिनरी लाइन ले लेता हूँ मैं, सेंट्रल लाइन। इसी लाइन पे मैं चार्ज को मूव कराऊंगा। इन्फिनिटी पे मेरा चार्ज रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है? क्यू नॉट। कितना रखा है? क्यू नॉट। अब इस क्यू के बीच में और क्यू नॉट के बीच में क्या है? रिपल्सन है। क्या है? रिपल्सन, ठीक है। सपोज मैं चार्ज को खींच के ला रहा हूँ इधर, किधर? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो पिछली बार हमने पढ़ा था वर्क डन के फॉर्म में। तो मान लीजिए मैं अभी इंटरमीडिएट पोजीशन कहीं पे हूँ, पॉइंट पी पे हूँ। कहाँ पे हूँ? पॉइंट पी पे। ये चार्ज जो है पॉइंट पी पे आ गया आपका। कहाँ पे आ गया है? पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको उधर की तरफ क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ। कितना लग रहा है? एफ, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी एट पॉइंट पी? पी पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है, आप ऐसा कीजिए, इसको आप आर मान लीजिए, ठीक है। तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स, ठीक है। यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। तो एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर मैं इस चार्ज क्यू नॉट को थोड़ा सा और मूव कराता हूँ डी एक्स से, किससे? पीछे की तरफ, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा छोटा सा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ फोर्स क्यू नॉट लग रहा है, अगर मैं और मूव कराने की कोशिश करता हूँ तो क्या अपने आप मूव होगा? वो नहीं होगा। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा अमाउंट डी एक्स से मूव कराने की कोशिश करूँ तो मुझे छोटा सा वर्क कितना करना पड़ेगा? डी डब्ल्यू, ठीक है। यानी फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू हैज टू बी डन, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है ना, वर्क डन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब मुझे निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क मैं कहाँ से निकालूंगा? इन्फिनिटी से लेके पॉइंट एक्स तक, क्योंकि मुझे यहाँ पे ही पोटेंशियल पता करना है। तो अब मैं जो है, जो डी एक्स है उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, या डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दूंगा। कहाँ से? यहाँ से लेकर पॉइंट एक्स तक। तो मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स कहाँ से? इन्फिनिटी से पॉइंट एक्स तक, और पॉइंट एक्स का डिस्टेंस कितना है? आर, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेगेटिव निशान नहीं लिया है, आपको नेगेटिव निशान लेना है। नेगेटिव निशान क्यों है? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वहाँ पर नेगेटिव निशान लेना पड़ेगा। तो अभी आप इतना कर लीजिए फटाफट।
सो नेक्स्ट है, हम अब जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पिछली बार हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक सोर्स चार्ज है क्यू, इसके आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और हम इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक, ठीक है। सपोज कीजिए मुझे किसी भी पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, तो पॉइंट एक्स पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको मैंने बी एक्स मान लिया। क्या मान लिया? पिछली बार मैंने वर्क डन के फॉर्म में बताया था, इस बार मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट एक्स की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने एक्स माना है। क्या माना है? एक्स। पॉइंट एक्स की दूरी जो है चार्ज से मैंने क्या मानी है? एक्स माना है, ठीक है। तो ये मेरी इमेजिनरी लाइन ले लेता हूँ मैं, सेंटर लाइन। इसी लाइन पे मैं चार्ज को मूव कराऊंगा। इन्फिनिटी पे मेरा चार्ज रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है? क्यू नॉट। कितना रखा है? क्यू नॉट। अब इस क्यू के बीच में और क्यू नॉट के बीच में क्या है? रिपल्सन है। क्या है? रिपल्सन, ठीक है। सपोज मैं चार्ज को खींच के ला रहा हूँ इधर, किधर? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो पिछली बार हमने पढ़ा था वर्क डन के फॉर्म में। तो मान लीजिए मैं अभी इंटरमीडिएट पोजीशन कहीं पे हूँ, पॉइंट पी पे हूँ। कहाँ पे हूँ? पॉइंट पी पे। ये चार्ज जो है पॉइंट पी पे आ गया आपका। कहाँ पे आ गया है? पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको उधर की तरफ क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ। कितना लग रहा है? एफ, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी? एट पॉइंट पी, पी पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है, आप ऐसा कीजिए, इसको आप आर मान लीजिए, ठीक है। तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स, ठीक है। यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। तो एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर मैं इस चार्ज क्यू नॉट को थोड़ा सा और मूव कराता हूँ डी एक्स से, किससे? पीछे की तरफ, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा छोटा सा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ फोर्स क्यू नॉट लग रहा है, अगर मैं और मूव कराने की कोशिश करता हूँ तो क्या अपने आप मूव होगा? वो नहीं होगा। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा अमाउंट डी एक्स से मूव कराने की कोशिश करूँ तो मुझे छोटा सा वर्क कितना करना पड़ेगा? डी डब्ल्यू, ठीक है। यानी फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू हैज टू बी डन, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है ना, वर्क डन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब मुझे निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क मैं कहाँ से निकालूंगा? इन्फिनिटी से लेके पॉइंट एक्स तक, क्योंकि मुझे यहाँ पे ही पोटेंशियल पता करना है। तो अब मैं जो है, जो डी एक्स है उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, या डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दूंगा। कहाँ से? यहाँ से लेकर पॉइंट एक्स तक। तो मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स कहाँ से? इन्फिनिटी से पॉइंट एक्स तक, और पॉइंट एक्स का डिस्टेंस कितना है? आर, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेगेटिव निशान नहीं लिया है, आपको नेगेटिव निशान लेना है। नेगेटिव निशान क्यों है? क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वहाँ पर नेगेटिव निशान लेना पड़ेगा। तो अभी आप इतना कर लीजिए फटाफट।
ओके, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पिछली बार मैंने आपको बताया था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। तो देखिए यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है मेरा क्यू और एक टेस्ट चार्ज जो है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है क्यू नॉट, ठीक है। अभी जब क्यू नॉट को मैं मूव कराऊंगा क्यू की तरफ तो ड्यू टू रिपल्सन एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क। सपोज मैं क्यू नॉट को मूव करा के लाना चाहता हूँ कहाँ पर? पॉइंट आर पर, क्योंकि मुझे पॉइंट आर पर ही पोटेंशियल पता करना है। क्या पता करना है? पोटेंशियल, पॉइंट आर पर पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। चलिए एक पॉइंट लेता हूँ मैं, एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ जो कि इनकी सेंट्रल लाइन पे ही है, वो है पॉइंट पी, जिसकी दूरी क्यू से एक्स है। क्या है? एक्स। अगर ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे है तो इसके इस क्यू नॉट के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में रिपल्सन होगा, तो ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जो इससे दूर जाएगा, ठीक है। तो वो है मेरे पास कितना? एफ। क्या है? एफ। दोबारा समझ लीजिए, एक रैंडम पॉइंट मैंने पी लिया है सेंट्रल लाइन पर, और मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये क्यू नॉट चार्ज जो है मेरा इस पॉइंट एफ पर है। अभी जब मैं उसको इधर से इधर लेके आ रहा था तब वो पॉइंट एफ पी पर है, तो पी पर जो क्यू नॉट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा है फोर्स वो एफ है। तो एफ की वैल्यू क्या होगी आपकी बेटा? एफ बराबर हो जाएगा 1/4 में 4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, जहाँ पे 1/4πε0 को आप जो है कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हो, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैं करूँ और टुवर्ड्स सोर्स चार्ज, मैं और क्यू नॉट को मूव करना चाहता हूँ इधर, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा छोटा सा। तो अगर मैं dx से मूव कराता हूँ, किससे मूव कराता हूँ? किसको? क्यू नॉट को, किधर? x इधर q की तरफ, तो मुझे छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, क्या? dw। तो dw बराबर क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंगल के फॉर्म में होता है एफ डी एक्स कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो एंगल है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर के बीच में है। तो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे? 180। तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। क्या होती है? तो फाइनली आपका आ गया ये -FdX। अब हमने छोटा वर्क डन निकाल लिया, अब हम टोटल वर्क निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक, क्योंकि मैं पॉइंट आर पे ही पोटेंशियल पता करना है। तो मैं इन्फिनिटी से मूव करूँगा कहाँ पे? पॉइंट आर पर, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, इस पूरे का इंटीग्रेशन कहाँ से? इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक, ठीक है, पॉइंट आर तक। तो फटाफट इंटीग्रेट करते हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट आर का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर, ठीक है, ये पॉइंट आर है मेरा, पॉइंट है, ठीक है। और डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी मेरी? -FdX, ठीक है। एफ की वैल्यू वहाँ से रख दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से आर, एफ की वैल्यू वहाँ से रखेंगे हम, तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है। एक मैं इसमें रूल का इस्तेमाल और भी कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का रूल, वो ये होता है कि अगर यहाँ पे माइनस निशान है तो ये जो आपकी जो लिमिट्स होती हैं ये इंटरचेंज हो जाती हैं। क्या होती हैं? इंटरचेंज। और माइनस निशान ख़त्म हो जाएगा, किसका निशान ख़त्म हो जाएगा? तो चलिए माइनस निशान ख़त्म कर देता हूँ, और जो इन्फिनिटी है वो अपर लिमिट बन जाएगी और आर जो है वो लोअर लिमिट बन जाएगी। इससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। के क्यू नॉट क्यू नॉट सॉरी के क्यू क्यू नॉट ये सारे कॉन्स्टेंट हैं, इनको बाहर ले लेता हूँ मैं, और एक्स स्क्वायर जो है वो ऊपर जाके हो जाएगा एक्स पे पावर -2 डॉट डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, ठीक है, ये इन्फिनिटी है मेरा, इंटीग्रेशन कर देते हैं। के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन कितना आ रहा था इसका? इसका आ रहा था एक्स पे पावर -1 अपॉन में -1, ठीक है। कितना आ रहा था? एक्स पे पावर -1 अपॉन में -1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी आर। तो इसको अगर एक्स पे पावर -1 को नीचे लेके आओगे तो हो जाएगा आपका टोटल के क्यू क्यू नॉट -1 अपॉन एक्स। कितना आ जाएगा? -1 अपॉन एक्स, माइनस निशान बाहर ले लीजिए,
तो आपका आ गया ये आर इन्फिनिटी, ठीक है। एक बार इन्फिनिटी को पुट कर दो तो आएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट वन अपॉन में इन्फिनिटी माइनस में वन अपॉन में आर, वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया ज़ीरो, तो आपका आ गया माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटू में माइनस वन अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से आपका वर्क निकल के आया के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, माइनस माइनस निशान कैंसिल हो गए। आप चाहो तो पहले इंटीग्रेशन का मैं आपने जो माइनस यहाँ पे चेंज किया था उसको ना भी चेंज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका ये निकल के आएगा। क्यू नॉट को इसके नीचे ले जाओ तो आया आपका के क्यू अपॉन में आर, और डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट किसके बराबर था पोटेंशियल, के क्यू अपॉन में आर। तो देखिए आर पे पोटेंशियल आ गया, क्या आया के क्यू अपॉन में आर, और के क्या कहलाता था हमारा कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वैसे न्यूटन स्क्वायर मीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं और भी एक्सपेंड कर देता हूँ, 1 अपॉन में 4570 क्यू अपॉन में आर, ये भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू जो है वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हमारा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए विच इज 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज 10 माइक्रोकूलम। तो एक सोर्स चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, ठीक है, एक 10 माइक्रोकूलम का सोर्स चार्ज है, इससे एक पॉइंट आपका कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पे आपको ये पॉइंट की दूरी इससे कितनी है 100 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास सोर्स चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो एक प्रीफिक्स होता है जिसकी वैल्यू 10 पे पावर माइनस 6 होती है, तो 10 पे पावर माइनस 6 रख के हम इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे 10 पे पावर माइनस 5। इधर ऐसे डिस्टेंस जो हमको दे रखा है वो सेंटीमीटर में है, वो भी एसआई यूनिट में नहीं है, सीजीएस यूनिट में है, तो उसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 1 मीटर। तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सेकंड वन वाला, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। यहाँ पे के जो है वो कूलम्स कॉन्स्टेंट है फॉर वैक्यूम और एयर, इसकी वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम स्क्वायर होती है। अगर कुछ और मीडियम है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उसके लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है किस तरह से चेंज वैल्यू आप करते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू डालते हैं, के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, क्यू की वैल्यू 10 पे पावर माइनस 5 एंड आर की वैल्यू 1 मीटर। इसे रखने पर हमारे पास जो पोटेंशियल आया वो आया 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 यानी 90,000 वोल्ट, काफ़ी बड़ा वोल्ट है, तो ये मेरे पास आया पोटेंशियल, ठीक है। अगर कोई और मीडियम है तो आपका जो फॉर्मूला है V का वो चेंज हो जाता है, उसके लिए आपका फॉर्मूला जो रहेगा V बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q अपॉन में R, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 वैल्यू थी इसकी, एप्सिलॉन आर जो है वो ए रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की कहलाती है, वो आपको दे रखी होगी, ठीक है। जो भी मीडियम, अगर आपने इसके बीच में कोई और मीडियम लिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है जिसमें एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है आपको दे रखी होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है रिलेटिव परमिटिविटी की, तो ये फॉर्मूला रख के आप जो है निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखोगे आप जनरली अगर हम कुछ और मीडियम रख देते हैं तो आपका पोटेंशियल की वैल्यू घट जाती है, क्या होती है घट जाती है, पोटेंशियल कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस में होता है, वैक्यूम या एयर में ही होता है, ठीक है, उतार लीजिए इसको। तो आज की क्लास से यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कल आपकी क्लास करूँगा, उसमें जो है मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और उसके आगे के पॉइंट्स पढ़ाऊँगा, ठीक है।